ऑर्गेनाइजर कैसा है। देखो यहाँ आपको मिरर मिलेगा, मिरर के बाद यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, सुंदर है। सबसे प्यारी बात तो ये है कि किटी बहुत ज्यादा सुंदर है ये, तो इसको आप। हाय माय डियरीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल पर और आप सभी के खुद के चैनल पर। सो गाइज, देखो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत 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 सारे प्रोडक्ट्स। सो आपको देखने में मज़ा इसलिए आएगा बिकॉज मैंने कुछ इस तरीके की वैनिटी किट जो प्रिपेयर की थी अपने लिए जब मेरी शादी होने वाली थी, जो लाइक मतलब ऐसी हो जिसमें हर तरीके के प्रोडक्ट्स हो, हर तरीके के प्रोडक्ट्स एज इन जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं उसमें, उसमें मेकअप प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। एक वैनिटी एक ऐसा छोटा सा घर जैसा हो जाता है हम लड़कियों के लिए, जिसमें हमारे सारे प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स ना समाये हुए होते हैं। और स्पेशली लड़कियों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि भाई शादी से पहले तो हम अलग तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करते थे, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स एड ऑन किए जाएं हमारी वैनिटी के अंदर कि वो आफ्टर मैरिज के लिए भी ना हमारे लिए सक्सेसफुल साबित हो जाए। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही एक सिंपल सी वैनिटी किट बना के लेके आई हूँ। ये मेरी खुद की चॉइस की वैनिटी किट है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरी भी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, तो उस टाइम पर मुझे मालूम चला था कि हाँ ऐसी कोई प्रॉपर वैनिटी किट लेकर जानी चाहिए अपने साथ। सो मैंने मम्मी के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट्स चूज़ किए थे और हम दोनों ही शॉप करके लेके आए थे, और आज मैं वही वैनिटी किट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सारे के सारे इतने प्यारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड सबसे अच्छी बात, खुद से मैंने इन्हें यूज़ करा है, मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर है, तभी मैं ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलने वाला है हर एक चीज का। सो चलो देर नहीं करते, जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस, जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन हिट कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे पिछले हॉल वीडियोज देखना मत भूलना, कुर्ता सेट पे, टॉप्स पे एंड ऑल, जो भी मैंने ज्वेलरी सेट वगैरह का हॉल किया, बिकॉज हॉल्स देखने में जितना मजा आता है ना, उतने ही वो यूजफुल भी होते हैं। सो अभी मैं सबसे पहले आपको ना फटाफट से अपनी वैनिटी किट दिखाती हूँ, क्योंकि एक किट जैसा जो होना चाहिए, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख सकें, वो चूज करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज हर किसी के बस की बात नहीं है एक अच्छा ऑर्गेनाइजर चूज करना। मैं थोड़ी सी फॉर्चुनेट थी जो मुझे पहले से पता चल गया था कि इस तरीके का कलर बार का एक वैनिटी किट अवेलेबल है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप शाइन देख रहे हो इसकी, ये बंद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, मैंने कुछ एडिशनल अभी न्यू भी डाले हैं जो न्यू मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए थे। सो आप इसको देखो, ये एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स है और इसके बहुत इजीली आप इसको कैरी करके ले जा सकते हो अपने साथ, ऐसा कोई हाई फाई वो नहीं है इसके अंदर कि भाई बहुत भारी है या कुछ है, बाकी सामान देखकर भरना। और ये देखो टन टन, इसके अंदर यहाँ पे आपको सामने एक मिरर मिल जाएगा, और ये नीचे से कैसा दिखता है, क्या क्या इसमें है, वो भी मैं आपको सब कुछ एक एक करके शो करने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, लास्ट में मैं आपको एक अच्छे से इसकी वीडियो में ही झलक दिखा दूंगी कि अंदर किस तरीके से आप सामान ऑर्गेनाइज करोगे, लेकिन पहले हम मेकअप प्रोडक्ट्स देख लेते हैं और सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जो जो है मेरे पास। स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, स्टार्ट करते हैं इस लिपस्टिक से। ये इन्फिनिया की लिक्विड लिप कलर है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लिप कलर है, मुझे ये कलर ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ एक बार ही कि ये कैसा है। इस कलर का लिपशेड अगर आपके पास नहीं है ना, तो अभी जाकर ले लो, बिकॉज बहुत ही प्यारा कलर है। आप खुद देखो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इस तरीके के कलर्स हमेशा बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और प्यारे से लगते हैं, एंड गुड टू गो वाले कलर्स होते हैं ये। सो ये वाला जो लिप कलर है ना, इसका शेड है M05, एंड इसका प्राइस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है गाइस। इसका एक बॉक्स था जिसके ऊपर इसका प्राइस लिखा हुआ था, बट आप ऑनलाइन सर्च करो, बाकी मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालने की कोशिश करूँगी कि ये कितने का है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। सो सबसे पहले ये लिप शेड, ठीक है। उसके बाद अब जब हम लिप शेड्स की बात ही कर रहे हैं, तो और भी लिप शेड्स दिखा देती हूँ आपको, पहले लिप शेड से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये मेरे पास मार्स का पॉपिंस है, ये भी एक लिप शेड है, बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर है, न्यूट ब्राउन कलर्स हम सभी को पसंद होते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखने वाला है, ये क्रीम में है, ठीक है, पहला वाला मैट में था, ये क्रीम में है। ये देखो कितना मस्त कलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। तो अगर आप लिप शेड्स ढूंढ रहे हो, तो आप थोड़ा सा यहाँ से मुझसे ज्ञान ले सकते हो लिप शेड्स के मामले में, बिकॉज मुझे बहुत ही न्यूट कलर्स ही वेयर करना पसंद है लिप शेड्स में। और एक ये है, ये देखो इसका शेड देखो, ये पहले वाले शेड से मिलता जुलता है, जो फर्स्ट मैंने दिखाया ना, बस ये है कि वो मैट में है, ये क्रीम में है। ये देखो कितना लाइट शेड है, अगर आप मतलब लाइक बिल्कुल सिंपल लुक रखने वाले बंदे हो ना,
तो आपके लिए ये तीनों लिप शेड्स बहुत ही मस्त साबित होने वाले हैं। लेकिन इनमें से मेरा फेवरेट मैं बता दूं, मुझे सबसे ज़्यादा ये ब्राउन वाला पसंद है, और इस वाले शेड का नाम है, रुको, ग्लॉसी पिंक, इसका नाम है ग्लॉसी पिंक। ये भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। तो ये दो शेड्स और एक ये, अभी फिलहाल मैं ये ही तीन लिप शेड्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यही आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फाउंडेशन और प्राइमर, क्योंकि मेकअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन और प्राइमर। तो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ 24K गोल्ड जेल प्राइमर ऑयल फ्री, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड चार्म वोग ब्यूटी से, ये वाला। अभी मैंने ये छोटा वाला ही लिया था बिकॉज मैं पहले ट्राई करना चाहती थी, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे ये, तो मैं दोबारा इसको ऑर्डर करने वाली हूँ। आप भी कर सकते हो, अगर आप कोई अच्छा प्राइमर ढूंढ रहे हो तो गो फॉर इट। इसी के साथ इसी कंपनी का, अगेन CVB का ही है, ब्लैंक एक्सपर्ट अल्टीमेट वाइटनिंग फाउंडेशन। ख़त्म हो गया ये ऑलमोस्ट, देखो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है यार। मैंने और भी पहले फाउंडेशन यूज़ करे थे लैक्मे वगैरह के, लेकिन मुझे किसी का फाउंडेशन उतना पसंद नहीं आया और ना ही सूट किया जितना ये आया। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड ले सकते हो, ठीक है। सो मुझे तो पर्सनली ये वाला फाउंडेशन और प्राइमर बहुत पसंद है। एंड अगेन सेम ब्रांड का मेरे पास हाइलाइटर स्टिक है, ये देखो CVB की हाइलाइटर स्टिक है, 02 कोड है जो मेरे पास है उसका, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इसमें भी आपको वेराइटी मिल जाएगी, ये मैं खोल के दिखा देती हूँ। ऐसी स्टिक आपको मिलेगी, ठीक है, ऐसी स्टिक मिलेगी, यहाँ पे एप्लीकेटर है और ये है हाइलाइटर। बहुत कम यूज़ करा है मैंने ये, बहुत कम, बिकॉज मुझे हाइलाइटर्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, बोला ना मुझे न्यूड मेकअप पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा वाला मेकअप पसंद नहीं है, ऐसा लदा लदा वाला। तो जिन लोगों को हैवी मेकअप करना पसंद है ना, वो इस वाले हाइलाइटर के लिए ज़रूर जा सकते हैं। CVB के सारे प्रोडक्ट्स बहुत सही हैं। उसके बाद भाई हमारी आंखों का मेकअप करने के लिए एक आई शेडो पैलेट होनी चाहिए। सो मेरे पास जो आई शेडो पैलेट है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट, जिसमें से बहुत सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी मैं न्यू मंगाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली पैलेट थी, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन इसका बहुत मस्त है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड इसमें से सबसे ज़्यादा जो शेड मैं यूज़ करती हूँ ये पिंक के शेड्स हैं, तो आप भी ये वाली ट्राई कर सकते हो, लैक्मे एब्सोल्यूट की जो ये वाली इन्फिनिटी वाली आई शेडो पैलेट है ये। इसके बाद फेस पाउडर, लूज पाउडर ज़रूरी है ऑब्वियसली, समर में तो बहुत ज़रूरी है, ये जो पसीने बहते हैं ना और सारा मेकअप उसके साथ धुल जाता है, उसको जमाए रखने के लिए ना अच्छा खासा ये लूज पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो लूज पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, या फेस पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, या कॉम्पैक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, कितने सारे नाम होते हैं ना एक ही प्रोडक्ट के, मेबिलिन न्यूयॉर्क का फिट मी बहुत ही ज़्यादा मस्त है एक्चुअली में, दिस फिट मी बहुत सही है। इसके अंदर आपको ऐसे ये मिल जाएगा स्पॉन्ज टाइप, और ये देखो मैं फिलहाल ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप इसमें अपने अकॉर्डिंग अपना शेड चूज़ कर सकते हो, अपने स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, शेड्स आपको चूज़ करने हैं, बाकी क्वालिटी वाइज गुड टू गो, बहुत मस्त है। उसके बाद अब भाई जब मेकअप लग गया तो मेकअप हटाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना हमारे पास, तो अगेन मेरे पास ये कलर बार का है रिमूवर, मेकअप रिमूवर, जिससे आप अच्छी, अरे कितना सुंदर है देख रहे हो, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है इसका डिज़ाइन, और इसमें मेरी शक्ल भी दिख रही है, बट जो भी है ये कलर बार का है अगेन, तो ये वाला आप ले सकते हो। मैंने बहुत कम यूज़ करा है क्योंकि मैं ना देसी नुस्खा अपना लेती हूँ मेकअप मिटाने का, फेस वॉश से ही रगड़ लेती हूँ या फिर कॉटन और रोज़ वाटर से हटा लेती हूँ, इस तरीके की चीज़ें कम यूज़ करती हूँ। बट वैनिटी बनानी थी तो वैनिटी में तो सब कुछ चाहिए था ना, लेकिन अच्छा है, यूज़फुल है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हो या बार बार जिनको मेकअप करना पड़ता है टाइम एंड अगेन डेली वेयर करते हो मेकअप को, उन लोगों के लिए इस तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आज का वीडियो मैं उसी पर्पज से लेके आई थी कि कुछ आपको ऐसा दिखाऊं जो आपके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों में ना बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि यार हमें लगाना है चाहिए बट हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा लें, तो ये रिकमेंडेशन ज़रूरी होती हैं। अब देखो नेल पेंट रिमूवर की बात कर लेते हैं, तो अगेन मेरे पास जो नेल पेंट रिमूवर है वो कलर बार अल्टीमेट नेल एनिमल रिमूवर एसीटोन फ्री है, और कौन से शेड में है ये, डार्क चॉकलेट, और ये बहुत ही मस्त है, मैंने कई बार शेयर किया अपने चैनल पर इसको, ये वाला अलग तरीके का मस्त होता है एकदम। नेल पेंट मैंने तो लगाने रखी वरना लगा के दिखाती आपको, इसके अंदर स्पॉन्ज है, ठीक है, आपको बस अपनी फिंगर इसमें जो भी नेल पेंट जहाँ का रिमूव करना है डिप करनी होती है ऐसे ऐसे, और छूट जाती है पूरी नेल पेंट, एकदम से रिमूव हो जाती है। चॉकलेट की खुशबू है भाई इसके अंदर, लेकिन कुछ तेज हो गई क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसे नाक के पास ला के इसको सूंघ लिया, सूंघ लिया, सूंघ लिया। हाँ
तो अभी नेल पेंट रिमूवर हो गया हमारा, तो अब जरा नेल पेंट्स देख लेते हैं मेरे पास कौन कौन से शेड के हैं। एक सबसे पहला शेड मेरे पास ये है ग्रीन कलर का, ठीक है, ये थोड़ा सा शिमरी है। और उसके बाद मेरे पास दूसरा नेल कलर है ये कितना प्यारा सा है, लाइट में फोकस नहीं हो पाता पर ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना दिखाती हूँ। देन मेरे पास तीसरा शेड है ये ब्राउन में, लाइट ब्राउन में। चौथा शेड अगेन मेरे पास सिल्वर शिमरी में, ये वाला नेल पेंट बहुत ज़्यादा चलता है और मुझे बहुत पसंद भी है, तो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, तो ये वाला नहीं है तो ले सकते हो, बहुत सही लगता है हर ड्रेस के साथ। देन सबसे मेरा फेवरेट शेड ये वाला है, अगेन फ्रॉम दी ब्रांड कलर बार। तो ये चार पांच नेल कलर्स मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ फेस क्रीम, वो है पॉन्ड्स की, ये पिंक वाली, इसका नाम है पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम। सीरम क्रीम बहुत सही है, ये बहुत ही ज़्यादा सही है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, एकदम रोज जैसी खुशबू आती है, गुलाबों जैसे महक जाओगे, गुलाबों। पागलपंती ज्यादा हो गई ना, कोई बात नहीं, करनी चाहिए। एक्चुअली आजकल ना मेरा मूड थोड़ा थोड़ा सा ना डिप्रेस रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार थोड़ा सा खुश, मतलब थोड़ा एफर्ट डालेंगे ना खुद को खुश रखने के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा, और एक दिन हंसते 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 खुश रहने की आदत भी पड़ जाएगी। देन मेरे पास जूडियो का ये भी है, ये देखो जूडियो का, ये क्या बोलते हैं इसको यार, मुझे तो आधे से ज़्यादा नाम ही भूल जाता, शीट मास्क, जूडियो का शीट मास्क है, जो जस्ट 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 जस मुझे 40 रुपीज़ में मिला था, जूडियो से ही लाई थी मैं ये, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि इसका दूसरा वाला मैंने ट्राई किया था वो बहुत सही है, ये वाला भी रखा हुआ है, देखूंगी कि मैं यूज़ करूंगी या प्रशांत यूज़ करेगा, जो भी यूज़ करेगा। देन ब्लेंडर, देन कंसीलर, कंसीलर है मेरे पास जो है वो है स्विस ब्यूटी का, ये भी बहुत थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया है, ये देखो कंसीलर, तो कंसीलर्स भी बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, अगर यहाँ पे नीचे दाग धब्बे कहीं पर भी कुछ हैं तो उस पर पेंट चढ़ाने के लिए आप स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर ले सकते हो, और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, और 02 शेड में है ये जो मेरे पास है। अगेन आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब का शेड चूज़ कर लेना। देन मस्कारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कलर बार का ये लैश इल्यूजन मस्कारा है मेरे पास, मेरे शॉर्ट्स में भी आप इसका वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, मैंने उसमें सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्क्राइब की हैं। और हाँ मैं दिखा देती हूँ, ये डबल साइडेड है, एक इस तरफ, डबल डबल मिले एक ही पैसों में, कितना मस्त लगता है ना, और एक इस तरफ, तो आप जा सकते हो इस वाले मस्कारे के लिए भी। देन ब्रशेस, कुछ ब्रशेस हैं मेरे पास पुताई करने के लिए, एक ये है छोटे साइज का, देन ये वाला मेरा फेवरेट, दिस इज फ्रॉम लैक्मे, लैक्मे का है ये, और ये कलर बार का है, कलर बार और लैक्मे के ब्रशेस मैं यूज करती हूँ, ये है ठीक है, और दो ब्रश हैं, ये है और ये है, पता नहीं मुझे मुझे जिससे जो लगाने का मन करता है मैं वो लगा लेती हूँ। तो मेरे पास दो ब्रश सेट हैं, पहले मेरे पास कलर बार का था, लेकिन अभी रिसेंटली शादी के टाइम पे जो मैंने लिया वो ये लैक्मे वाला था, तो आप दोनों ही चूज़ कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, बिकॉज दोनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। काजल जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, वो है लैक्मे का आइकॉनिक काजल, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके होंगे, वाटर प्रूफ है, बहुत अमेजिंग है। एंड जो मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ, वो भी लैक्मे का आइकॉनिक लाइनर पेन वाला, पेन वाले से बहुत इजीली ड्राइंग हो जाती है ना, इसलिए। सो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हमारे फिनिश हो चुके हैं, और कुछ थोड़े से प्रोडक्ट मेरे जो रह गए वो दिखाने की, साथ ही साथ में मैं आपको उसके बाद किट दिखाने वाली हूँ, तो बने रहना चैनल पर। ये छोटू सा कोम्ब है, ये मेरी वैनिटी किट में ही आया था, ठीक है, ये किट के साथ ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, और बिंदी मैं बहुत छोटी सी यूज़ करती हूँ, तो ये वाली ब्लड रेड बिंदी है, मरून भी है इसमें मेरे पास। देन उसके बाद सिंदूर, शादी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लिक्विड सिंदूर है, अगेन ब्लू हेवन का है ये मेरे पास रेड कलर में, और एक मेरून भी था वो ख़त्म हो गया है, और एक कलर बार का ऐसे आपको यहाँ पे टैग मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि किट कलर बार की है ना, तो अब जरा किट के दर्शन कर लेते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको ऑर्गेनाइजर कैसा है। देखो यहाँ आपको मिरर मिलेगा, मिरर के बाद यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप यहाँ पे अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो, आपके पास पेन्स हैं अगर, क्लिप्स हैं, कुछ भी हैं यहाँ रख सकते हो, यहाँ पे लिप शेड्स रख सकते हो, बहुत आराम से आ जाएंगे, यहाँ कोम्ब रहता है वो वाला। उसके बाद इसको हम ऐसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इतनी सारी जगह दी हुई है, यहाँ पे आप अपने सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स रख सकते हो। देन आपको इसको ऐसे ही अरेंज करके रखना है, मिरर भी काफ़ी बड़े साइज का है, हाँ इसके नीचे भी कुछ है आई गेस, बेस है, कुछ नहीं है, तो आप इसको ऐसे बंद करो, और यहाँ पे आपको एक लॉक दिया हुआ है ताकि आपका कोई भी सामान बिखरे नहीं, तो अपना सामान पैक करने के बाद इसको लॉक कर दो, और ये देखो कितना सुंदर है, सबसे प्यारी बात तो ये है कि किटी बहुत ज़्यादा सुंदर है ये,
तो इसको आप इजीली कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकर जा सकते हो आराम से अपना सारा मेकअप का सामान ऑर्गेनाइज करके। सो होपफुली आपके लिए ये वीडियो अच्छा खासा यूजफुल साबित हुआ होगा और अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अपने लिए वैनिटी किट बनाने में और चूज करने में कि क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए रहती हैं। बहुत ही बेसिक सामान है, आप इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितनी चीज़ें यूज़ करते हो, किस तरीके का मेकअप, किस तरीके का लुक आपको रखना पसंद है। मैं इतना ही यूज़ करती हूँ, तो ये ही मेरी वैनिटी किट थी शुरू से अब तक। बस इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स चेंज किए हैं, लेकिन स्टिल थे यही सब, जो बेसिक प्रोडक्ट्स थे वो यही सब थे। एंड बहुत जल्दी मैं सोच रही हूँ कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज मेरे पास वो भी बहुत सारे हैं और बहुत 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 अच्छा स्टॉक है। सो आपको वो भी ज़रूर से दिखाऊंगी, लेकिन प्लीज़ उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन हिट करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है, या इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी इन्फो चाहिए तो मुझे इंस्टा पे DM करो @marshika10 या फिर यूट्यूब पे बता दो कमेंट करके। मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगी प्रोडक्ट लिंक्स एंड ऑल जो भी आपको चाहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग या न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखो, बाय।